आज भाषा को संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा अंग्रेजी पर आधारित है। बोली भाषा को बचाने का संकट है, इसलिए निमाड़ी से प्रेम नहीं, इसे व्यवहार में लाने की जरूरत है और इसी के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें निमाड़ी दिवस जैसे कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर करना चाहिए। भाषा की प्रगति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना जरूरी है। उक्त उद्गार निमाड़ी दिवस पर देवश्री गार्डन में अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महामहिम वी एस कोकजे ने अपने मुख्य आतिथ्य में व्यक्त किए। समारोह में अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश निदेशक साहित्य अकादमी डांस विकास दवे, भागीरथ कुमरावत, जगदीश जोशीला, परिषद की महिला अध्यक्ष मनीषा शास्त्री मौजूद रही। समारोह की अध्यक्षता परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन लाल शर्मा ने की। समारोह में अतिथियों द्वारा 21 प्रतिभाओं को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और 3 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। समारोह का संचालन पारिन द्वारा किया गया। से गांव वाचे संजय जायसवाल की रिपोर्ट। और वो बोली भाषाएं अगर जीवित नहीं रही तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें हजारों वर्ष का ज्ञान संचित होता है। बोली भाषा में मुहावरों के रूप में, संस्कारों के रूप में, अलग अलग तीज त्योहारों के रूप में ये सब लुप्त हो जाए, इसलिए ये प्रयास करना बहुत आवश्यक है। आज के अखिल भारतीय स्वरूप तो होना चाहिए, एकात्म भारत तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ भी छोटी छोटी जो हमारी विविधताएँ हैं उसके कारण भारत खास स्थान रखता है जगत में, क्योंकि यहाँ सब प्रकार की विविधता होते हुए भी एकता, विविधता में एकता जो है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये जो विविध भाषाएं हैं, बोली भाषाएं हैं, इनका भी संगोपन होना चाहिए, पालन पोषण होना चाहिए। इनका बहुत इसका प्रगति जब इनकी होगी तो अपने आप इनके द्वारा जो संस्कार प्राप्त होते हैं उसमें एकात्म भारत का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। काफ़ी समय से सर निमाड़ी भाषा को विषय दर्जे की मांग की जा रही है, अभी तक इसमें क्या उन्नति है, क्या प्रोग्रेस है? देखिए, इसी भाषा को अगर राजभाषा या लोक भाषा के नाम से या संवैधानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो बड़ी उपलब्धि है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं, क्योंकि भाषा में आप संविधान में भी आपको स्थान दे दिया जाएगा तो अनुभव ये है कि अगर उनका व्यवहार में नहीं रही तो भाषा टिकती नहीं। संविधान में तो सिंधी भाषा को विश्राम नहीं दे रहा, कहीं देखते हैं आप सिंधी परिवारों में सिंधी नहीं बोलते, तो वो सब कुछ नहीं है। वो ठीक है कि उसके कारण आपको लाभ होगा, जो है एक प्रकार का रिकॉग्निशन होता है वो मिलेगा, लोगों ने हमारे को मान्यता दी कि ये भी है बोली भाषा, लेकिन वो उसका क्या होता है कि कितनी जनसंख्या उसको बोलती है, कितने व्यवहार में लेती है, इन सब बातों पर वो निकष रहते हैं, तो उसका मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा भाषा की प्रगति में, उन्नति में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।